मायाबेन कोडनानी जो हैं निर्दोष बरी हो गई हैं। बाबू बजरंगी आजीवन जेल में रहेगा। जी आप जैसे कि आप जानते हैं कि मायाबेन कोडनानी को जब 28 साल की सजा सुनाई गई थी, सामने आपके बाबू बजरंगी है जिसे आजीवन जेल में रहना होगा, यानी कि मृत्यु तक जेल में। और यहां मायाबेन कोडनानी को आप देख रहे हैं, पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट। इन पर आरोप था कि न सिर्फ इन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया बल्कि हथियार और केरोसिन भी लोगों में बांटा था। अब आज की बड़ी खबर में हम आपको यह भी बताते हैं कि मायाबेन कोडनानी आखिर कैसे बच गई। 11 गवाहों में से किसी ने भी कोडनानी का नाम नहीं लिया। कुछ गवाहों के बयान में विरोधाभास था। गवाहों के नरोदा पाटिया में मौजूद होने की पुष्टि नहीं हुई। ये वो तमाम पहलू हैं जिसके चलते मायाबेन कोडनानी जो हैं वो बरी हो गई हैं। संदेह का लाभ की वजह से कोडनानी को बरी किया गया। गौर कीजिएगा इस बात पे, संदेह का लाभ की वजह से कोडनानी को बरी कर दिया गया, क्योंकि जो तमाम गवाह थे उनके बयानात में विरोधाभास था। यह भी बात सामने आई कि वो मौजूद नहीं थे और ऐसे में संदेह का लाभ मिलने की वजह से कोडनानी को बरी कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस पर दुख जताया। कुछ देर पहले मेरे साथ संजय झा मौजूद थे जिन्होंने इस फैसले पर दुख जताया है। तो ये दो बड़े फैसले जो कि बीजेपी के लिए राहत है, क्योंकि भगवा आतंक का जो पूरा एक प्रोपेगेंडा था सीमानंद के बरी होने के साथ वो झूठा साबित हुआ, और मायाबेन कोडनानी। और दोनों ही मामलों में कांग्रेस ने जांच एजेंसीज के रवैये पर सवाल उठाया है। असीमानंद जो बरी हुए उसमें कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एनआईए ने जिस तरह से जांच की, और अब मायाबेन कोडनानी का बरी हो जाना। मायाबेन कोडनानी निर्दोष बरी, और देखिए इन पर बहुत गंभीर धाराएं लगी थी। धारा 302 यानी गिल्टी ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर 307, कॉन्स्पिरेसी 120B, स्प्रेडिंग एनिमिटी एंड कम्युनल हेट्रेड 153A, और इन तमाम चीजों से मायाबेन कोडनानी बरी, क्योंकि जो तमाम गवाह थे उनके बयानातों पर विश्वास नहीं किया जा सका, बयानातों पर जबरदस्त विरोधाभास था। यह भी बात सामने उभर कर आई कि जो ये गवाह थे वो उस दिन वहां मौजूद नहीं थे। और आप जानते हैं इस मुद्दे पर जो खास बात यह थी कि अमित शाह भी आए थे इस मुद्दे पर गवाही देने, और उनकी गवाही के कई तरह की थ्योरीज लगाई जा रही थी उस वक्त, आपको याद होगा। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मायाबेन कोडनानी नरोडा पाटिया केस में निर्दोष करार दे दी गई हैं। उन पर आरोप था कि वो जो हैं उन्होंने नेतृत्व किया एक भीड़ का जिसने तलवारें बांटी, केरोसिन बांटा, और जिसके चलते 90 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी, और अब आजीवन जेल में बाबू बजरंगी रहेगा। बाबू बजरंगी इस मामले में बजरंग दल का नेता, वो अपनी मौत तक जेल में रहेगा, मगर मायाबेन कोडनानी को निर्दोष बरी कर दिया गया है। अब इन्हें बरी क्यों किया गया है वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 11 गवाहों में से किसी ने भी मायाबेन कोडनानी का नाम नहीं लिया। कुछ गवाहों के बयानों में लगातार विरोधाभास था। गवाहों के नरोडा पाटिया में मौजूद होने की भी पुष्टि नहीं हुई। और सबसे अहम बात, गौर कीजिएगा इस पर, संदेह के लाभ की वजह से कोडनानी को बरी किया गया है। मेरिट्स ऑफ द केस नहीं, संदेह के लाभ, यानी कि संदेह के लाभ के चलते उन्हें बरी कर दिया गया है। तो एबीपी न्यूज पर यह बड़ी खबर जो है वो दिखाई देगा। और क्योंकि मायाबेन कोडनानी इस पूरे मामले की राजनीतिक कड़ी थी, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए राहत की खबर इसे माना जाएगा। पहले असीमानंद बरी हो गए और उसके बाद अब दंगा केस से मायाबेन कोडनानी बरी हो गई हैं। तो दो खबरें जो कि बीजेपी के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं, पहले असीमानंद और उसके बाद अब मायाबेन कोडनानी बरी हो गई हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।